नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी विद यश राज तिवारी। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो से हम जानेंगे, यानी कि पार्ट नंबर 28 के वीडियो से हम जानेंगे कि फल कथन करने के क्या नियम होते हैं, यानी कि जन्म कुंडली को देख के किसी चीज़ के बारे में फल कथन करना, यानी कि भविष्यवाणी करना, किसी चीज़ की प्रिडिक्शन देना, उस प्रेडिक्शन देने के पीछे क्या क्या नियम होते हैं उस बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो भी व्यक्ति ज्योतिषी है, उस ज्योतिषी को तीक्ष्ण बुद्धि वाला होना चाहिए और कुशाग्र बुद्धि वाला होना चाहिए। शास्त्रों में यह भी लिखा हुआ है कि ज्योतिषी जब उदास हो, परेशान हो या निराश हो, तो उसे फल कथन यानी कि भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष का पूरा आधार ही ज्योतिषी होता है। यानी कि फलादेश करते समय ज्योतिषी का दिमाग नियंत्रित होना चाहिए। साथ ही साथ एक ज्योतिषी को यानी एस्ट्रोलॉजर को हर विषय की जानकारी होनी चाहिए। और तो और, सिर्फ प्रैक्टिकल होके ही ज्योतिष को सीखा जा सकता है और प्रैक्टिकल करके ही ज्योतिष को सीखा जा सकता है। फलित ज्योतिष तीन नियमों पर आधारित होता है। पहला होता है यथ पिंडम तथ ब्रह्मांडम, यानी कि जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो भी चीज़ हमारे शरीर में है वही इस ब्रह्मांड में है। यानी कि इस ब्रह्मांड में ग्रह हैं और ग्रह तत्व को दर्शाते हैं और वही सभी तत्व हमारे शरीर में हैं। दूसरा पॉइंट आता है देश काल और परिस्थिति को देख कर किसी भी चीज़ की भविष्यवाणी करना, यानी कि एक ज्योतिषी को देश की स्थिति, उस समय की स्थिति और सभी प्रकार की परिस्थितियों का ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट आता है ग्रहों का स्वरूप। ग्रहों के स्वरूप के बारे में मैं आपको बहुत सी चीज़ें आज तक बता चुका हूँ। प्रिय दर्शकों, अब इन नियमों को जानने के बाद हम जन्म कुंडली पर आ जाते हैं। जैसे ही हम किसी जन्म कुंडली को खोलते हैं तो सबसे पहले हमको लग्न को देखना होता है, लग्नेश को देखना होता है। इन स्थितियों को देखने के बाद हम कारक ग्रहों को देखते हैं। कारक ग्रहों को देखने के बाद अब हम यह देखते हैं कि जन्म कुंडली में हमको जिस भी ग्रह का विचार करना है उस ग्रह की स्थिति क्या है। सामान्यतः ग्रहों की 5 से 6 प्रकार की स्थितियाँ होती हैं। पहली स्थिति तो यह होती है कि ग्रह उच्च राशि में बैठा हुआ हो। उच्च राशि में बैठा हुआ ग्रह फर्स्ट नंबर का बली ग्रह होता है। इसके बाद स्थिति यह आती है कि ग्रह मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ हो। मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ ग्रह सेकंड नंबर का बली ग्रह होता है। इसके बाद बारी आती है स्वराशि में बैठे हुए ग्रह की। जो ग्रह स्वराशि में बैठा हुआ होता है वो फोर्थ नंबर का बली ग्रह होता है। इसके बाद बात आती है मित्र राशि में बैठे हुए ग्रह की। मित्र राशि में बैठा हुआ ग्रह अच्छा फल देता है। और इसके बाद बारी आती है शत्रु राशि में बैठे हुए ग्रह की, जो कि अपना पूरी तरह से अच्छा प्रभाव नहीं दे पाता, या कि कह सकते हैं कि पूरी तरह से शुभ फल ना दे पाने के लिए वह बाध्य होता है। अब जब मित्र या शत्रु राशिस्थ की बात आती है तो हमको ग्रह मैत्री को देख लेना होता है। ग्रह मैत्री वही जो मैंने आपको बताया था, नैसर्गिक मैत्री, तात्कालिक मैत्री एवं पंचधा मैत्री। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही साथ आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर नैसर्गिक मैत्री, तात्कालिक मैत्री और पंचधा मैत्री के बारे में जान सकते हैं। यहाँ से इतनी बातें क्लियर हो जाती हैं कि उच्च राशि का ग्रह अपना शुभ फल देने के लिए बाध्य होगा, उसके बाद मूल त्रिकोण राशि का ग्रह भी शुभ फल देगा, स्वराशि का ग्रह भी शुभ फल देगा और मित्र राशि का ग्रह भी शुभ फल देगा। अब अगर शत्रु राशि में ग्रह बैठा हुआ है और अगर वो तात्कालिक मित्रता में मित्र हो जा रहा है तो भी वो ठीक ठाक फल देगा, और अगर शत्रु हो जा रहा है तो उतना ज़्यादा अच्छा फल वो नहीं दे पाएगा। इस तरह से हम ग्रह को पहचानते हैं और फिर उस ग्रह से संबंधित चीज़ों
के बारे में हम फल कथन कर सकते हैं। इसके बाद बात आ जाती है शत्रु राशिस्थ ग्रह के बाद नीच राशि का ग्रह। नीच राशि का ग्रह जो भी होता है जन्म कुंडली में, वह ऐसा नहीं है कि कमज़ोर होता है। नीच राशि में बैठा हुआ ग्रह भी मजबूत अवस्था में होता है। बस फर्क इतना होता है कि उच्च राशि में बैठा हुआ ग्रह बाध्य होता है शुभ फल देने के लिए, वहीं दूसरी ओर नीच राशि में बैठा हुआ ग्रह बाध्य होता है अशुभ फल देने के लिए। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि नीच राशि में बैठा हुआ ग्रह हमेशा बुरे फल ही देगा। कई प्रकार की अदर स्थितियां होती हैं। जिस राशि में वह ग्रह नीच का हो रहा है, उस राशि के राशिपति की स्थिति क्या है, हमें वो भी देखना होती है। और साथ ही साथ कभी कभार नीच भंग राजयोग का भी निर्माण हो जाता है, तो फिर नीच का ग्रह उतना ज़्यादा बुरा फल नहीं दे पाता, बहुत कम ही बुरा फल वह देता है। तो इस बारे में हम बात बाद में करेंगे। बाकी हाँ, हम ये जान सकते हैं कि नीच राशि में बैठा हुआ ग्रह उतने ज़्यादा अच्छे फल नहीं देता जितना कि अदर कंडीशंस में बैठा हुआ ग्रह देता है। तो प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको फलकथन करने का पहला नियम बताया। आशा करता हूँ कि ये आपको समझने में आसानी हुई होगी। आप एक काम कर सकते हैं, इस पॉइंट को या इस वीडियो में बताई गई सभी चीज़ों को नोट करके रख सकते हैं। आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर मैं आपको इसके आगे का सेकंड पॉइंट समझाऊंगा। वहाँ पर हम देखेंगे कि किसी भाव से संबंधित विचार करने के लिए उस भाव के भाव को, भावपति को और भाव कारक को किस तरह देखना और समझना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, पुनः आप सभी के सम्मुख एक नए विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक वीडियो के कमेंट सेक्शन में से किसी एक व्यक्ति की जन्म कुंडली का चयन किया जाएगा एवं उस जन्म कुंडली से संबंधित किसी एक सवाल का जवाब निःशुल्क दिया जाएगा। इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित जानकारी जैसे कि आपका नाम, जन्म की तिथि, जन्म का समय एवं जन्म का स्थान किसी एक प्रश्न के साथ कमेंट सेक्शन में दें। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः आप सबके सम्मुख एक नए विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। फ़ोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।